हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास है माइक्रोटोन के ऊपर, जो कि हिस्टोपैथोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि माइक्रोटोन क्या होता है, माइक्रोटोमी क्या होता है, माइक्रोटोन के कितने प्रकार होते हैं और इन माइक्रोटोन का हम उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोटोम क्या होता है। फ्रेंड्स, माइक्रोटोम को जानने से पहले आपको थोड़ा सा टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में जानना होगा। फ्रेंड्स, जब आप टिश्यू प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो लास्ट में आपको एक प्रकार का टिश्यू का टुकड़ा मिलता है। इस टुकड़े को अगर हम डायरेक्टली स्टेन कर देंगे तो फ्रेंड्स हम सही से इसका स्टेनिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप पे डायरेक्टली रखेंगे तो हम सही से इसका एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस टुकड़े को हमें क्या करना होगा, थिन स्लाइस सेक्शन काटना होगा ताकि हम इसका सही से स्टेनिंग कर पाएँ, फिर इसके बाद में हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो थिन स्लाइस सेक्शन काटना है तो हमें एक प्रकार के डिवाइस का उपयोग करना होगा। इस डिवाइस का जो नाम है वो है आपका माइक्रोटोम। फ्रेंड्स, जो माइक्रोटोम है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रोस और दूसरा टर्नी। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल और टर्नी का मतलब होता है कटिंग, यानी कि स्मॉल कटिंग ही आपका माइक्रोटोम है। तो फ्रेंड्स, डिवाइस का नाम पड़ गया किस वजह से, स्मॉल कटिंग की वजह से। तो फ्रेंड्स, जो माइक्रोटोम है एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, थिन यूनिफॉर्मली स्लाइस सेक्शन का कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन भी यहाँ पे मेंशन है, इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस फॉर कटिंग थिन यूनिफॉर्म स्लाइस ऑफ टिश्यू सेक्शन। वही बात हुआ कि हमारा जो माइक्रोटोम एक प्रकार का डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, थिन सेक्शन काटने के लिए उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अब आता है माइक्रोटोमी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें माइक्रोटोमी की तो माइक्रोटोमी इज द टेक्निक ऑफ कटिंग टिश्यू इन वेरी थिन सेक्शन, यानी कि माइक्रोटोमी एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू का वेरी थिन सेक्शन काटते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोटोमी एक प्रकार का टेक्निक हुआ और डिश डिवाइस का उपयोग करते हैं थिन सेक्शन काटने के लिए, या क्या कहलाया आपका, माइक्रोटोम कहलाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें इसके इन्वेंशन की, यानी कि माइक्रोटोम के इन्वेंशन की, तो ये श्रेय आपके विलियमसन हिस सर को जाता है। इन्होंने सबसे पहले इस प्रकार के डिवाइस का उपयोग किया, उसके बाद में इसका नाम रखा माइक्रोटोम। फ्रेंड्स, ये जो विलियमसन हिस सर थे ये एक प्रकार के एनाटोमिस्ट और प्रोफेसर भी थे। फ्रेंड्स, जो हमारा माइक्रोटोम होता है इसको हम टिश्यू कटिंग करने के लिए ब्लेड का उपयोग करते हैं, और ये ब्लेड आपका तीन प्रकार से लगा हुआ होता है, या फिर स्टील का लगा होगा, या फिर ग्लास का, या फिर डायमंड का। अब फ्रेंड्स, ये जो उपयोगिता है इस ब्लेड की, ये अलग अलग प्रकार के स्पेसिमेन पे किया जाता है, तो हम आपको आगे बताएंगे किस प्रकार के स्पेसिमेन पे हम किस प्रकार का ब्लेड उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि माइक्रोटोम में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं जो कि आपके टिश्यू के थिन सेक्शन काटने के लिए सुटेबल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम पार्ट ऑफ माइक्रोटोम की बात करें तो सबसे पहला आपका लगा होता है ब्लॉक होल्डर, यानी कि आपका जो ये पैराफिन बैग्स से आप ब्लॉक बनाए हुए हैं अपने टिश्यू का, उसको होल्ड करने के लिए एक प्रकार का यहाँ पे पार्ट लगा होगा जिससे आप ब्लॉक को होल्ड कर सके। दूसरा आपका है नाइफ क्लैंप स्क्रू, यानी कि आपका जो ये ब्लेड है, ब्लेड को एक जगह से नट बोल्ट के द्वारा कसा हुआ होता है, आप जब चाहें जब इसको निकाल भी सकते हैं और फिर लगा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे चौथा पॉइंट है ये आपका ब्लॉक एडजस्टमेंट है, यानी कि ब्लॉक को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप इसका साइड बदलना चाहते हैं तो साइड बदल सकते हैं, आगे पीछे करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो पांचवा पॉइंट लगा होता है ये थिकनेस गेज का लगा होता है, यानी कि आपका जो ये टिश्यू है इसको आप कितना पतला काटना चाहते हैं, कितना मोटा काटना चाहते हैं, इसके लिए आपको थिकनेस गेज का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इस गेज का उपयोग करके आप इसके मोटाई या फिर पतला को इसको आप कर सकते हैं। और एक छठा आपका जो ऑपरेटिंग हैंडल लगा होता है, ये हैंडल क्या करता है, इस हैंडल को जब हम रोटेट करते हैं तो हमारी जो ये ब्लेड है ये आगे पीछे होती है और इससे हमारा जो टिश्यू है वो कट हो जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ माइक्रोटोम के बारे में, यानी कि कितने प्रकार के माइक्रोटोम होते हैं और इन प्रत्येक माइक्रोटोम का हम उपयोग किन किन टिश्यू को काटने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे रोटेटरी माइक्रोटोम है, स्लाइड माइक्रोटोम है, कैम्ब्रिज ड्रॉकिंग माइक्रोटोम, फ्रीजिंग माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम, क्राय माइक्रोटोम। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, पहला हमारा क्या है, रोटरी माइक्रोटोम। फ्रेंड्स, अगर हम रोटरी माइक्रोटोम की बात करें तो इसके नाम पे पड़ा है, यानी कि ये रोटरी के द्वारा ये कट करता है टिश्यू को, तो इसका नाम पड़ गया रोटरी माइक्रोटोम। फ्रेंड्स, इन रोटरी माइक्रोटोम द नाइफ इज फिक्स इन हॉरिजेंटल पोजिशन, यानी कि जो आपका रोटरी माइक्रोटोम होता है इसमें जो आपका ब्लेड होता है ये किस पोजिशन में रखा होता है, हॉरिजेंटल पोजिशन में रखा होता है। हॉरिजेंटल मतलब इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका ब्लैक वाला पार्ट है ये आपका ब्लेड है और ये हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि
इट इज़ ए बेस अपॉन द रोटरी एक्शन ऑफ ए हैंडल व्हील, यानी कि आपका जो हैंडल व्हील है ये किस बेस पे काम करता है, रोटरी एक्शन पे काम करता है, इसीलिए इसका नाम रोटरी माइक्रोटोम पड़ गया। ठीक है, द ब्लॉक मूव अप एंड डाउन एट द वर्टिकल प्लेन इन रिलेशन ऑफ नाइफ, यानी कि आपका जो ब्लॉक है, टिश्यू का ब्लॉक है, ये अप डाउन होता रहता है। मान लीजिए आपका ये ब्लेड है तो इस पर अप डाउन होगा, ठीक है, इस प्रकार से अप डाउन होगा जिससे आपका जो टिश्यू का कटिंग है वो सही से हो पाएगा। जब आप इसको मूव करेंगे तो आपका ये जो ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रेंड्स क्लियर कर दें आपको थोड़ा सा, ये जो आपका ब्लॉक लगा हुआ है ये ऊपर नीचे होगा और यहाँ पे जो आपका ये ब्लेड लगा हुआ है तो इस ब्लेड के जब यहाँ पे पड़ेगा तो आपका जो टिश्यू का कटिंग है वो सही से हो पाएगा। अगर फ्रेंड्स हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये क्या होता है, हैवी होता है और ये भारी होने के कारण ये स्टेबल रहता है। ठीक है, और इसका जो नाइफ होल्डर ये है मूवेबल होता है, यानी कि ये जो आपका ये नाइफ होल्डर है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट है इसके एडवांटेज की, ये है द सेक्शन कट फ्लैट, यानी कि जो सेक्शन काटता है ये फ्लैट काटता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर हम रोटरी माइक्रोटोम की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्टोपैथोलॉजी में यही माइक्रोटोम उपयोग होता है, इसीलिए ये तीन पार्ट में फिर बढ़ जाता है, एक आपका मैनुअली हो जाता है और एक फिर हो जाता है सेमी ऑटो और एक हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये इसके बेस पे हो गया, यानी कि ये अगर आपको ज़्यादा आसानी वर्क करना है तो आप ऑटो ले सकते हैं, और सेमी यानी कि आप थोड़ा सा इसमें कुछ आप मैनुअली करेंगे और कुछ काम आपका खुद से करेगा यानी कि ऑटोमेटिकली करेगा, और जो मैनुअली होता है इसमें संपूर्ण चीज़ें आपको अपने हाथों से ही करना पड़ता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट माइक्रोटोम के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है स्लेज माइक्रोटोम। स्लेज माइक्रोटोम का अगर बात करें तो ये आपके स्लेज माइक्रोटोम जो डिवाइस वेयर द सैंपल इज प्लेस इनटू फिक्स्ड होल्डर, यानी कि फ्रेंड्स इसकी खास बात ये है कि जो आपका स्लेज माइक्रोटोम होता है इसमें जो टिश्यू होता है, ब्लॉक होता है, इसको क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, और जो आपके यहाँ पे जो नाइफ लगे होते हैं, जो ब्लेड लगे होते हैं, ये मूव करते हैं। स्लेज मतलब फ्रेंड्स होता है हथौड़ा, तो ये बहुत ही हार्ड टिश्यू को कट करने के लिए ये माइक्रोटोम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे मान लीजिए ब्लॉक है, ब्लॉक यहाँ पे एडजस्ट रहेगा एक जगह पे, और जो आपका चाकू होगा वो आपका ब्लेड मतलब होगा चाकू, वो आपका मूव करता रहेगा और इसको कट करता रहेगा, तो ये जो हमारा डिवाइस है ये क्या करता है, फिर कट कर देता है आपके टिश्यू को। और इसके जो एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ यूज फॉर कटिंग हार्ड ब्लॉक एंड लार्ज सेक्शन, यानी कि हार्ड ब्लॉक रहेगा उसको कट करने के लिए, और सेक्शन जो कटेगा इसमें लार्ज सेक्शन कटेगा। ठीक है, द नाइफ यूज फॉर स्लेज शेप्ड, यानी कि ये जो हथौड़े के रूप में इसका जो ब्लेड होता है वो लगा होता है, और इसकी जो उपयोगिता है ये आपके न्यूरोपैथोलॉजी और ऑप्टिमल पैथोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्लेज माइक्रोटोम होता है, सभी माइक्रोटोम में एक ऐसा माइक्रोटोम होता है जिसमें इसका जो ब्लॉक है ये क्या होता है, स्टेबल रहता है, ब्लॉक इसमें स्टेबल रहेगा और जो नाइफ होगा यानी कि जो ब्लेड होगा ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ इसको कट करेगा। ठीक है, एक ही ऐसा माइक्रोटोम है जिसका ब्लॉक क्या होता है, एडजस्ट रहता है एक ही जगह पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट माइक्रोटोम की। नेक्स्ट माइक्रोटोम हमारा है कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम। रॉकिंग मतलब होता है कंपन, यानी कि ये वाइब्रेटिंग के रूप में काम करता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया रॉकिंग माइक्रोटोम। फ्रेंड्स अगर हम रॉकिंग माइक्रोटोम की बात करें तो इसका फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें क्या लगा हुआ था, ऐसे एक प्रकार के स्प्रिंग लगे होते हैं, तो इसको जब हम यहाँ पे चलाते हैं तो ये स्प्रिंग नीचे आती है और फिर यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक है वो कट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रॉकिंग माइक्रोटोम पड़ा। द इंस्ट्रूमेंट इज सो नेम बिकॉज द आर्म हैज ए मूव टू रॉकिंग मोशन व्हाइल कटिंग द सेक्शन, यानी कि इसका जो नाम है ये इसके रॉकिंग एक्शन के कारण ही, रॉकिंग मोशन के कारण ही पड़ा है, क्योंकि जब ये कट कर रहा होता है टिश्यू को तो ये रॉकिंग मोशन की वजह से ही कट कर रहा होता है। ठीक है, सीरियल सेक्शन इज नॉट एक्यूरेट, यानी कि इस माइक्रोटोम के द्वारा सीरियल सेक्शन एक्यूरेटली नहीं कटता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका जो बेट है लाइट बेट होता है, ये वाइब्रेटिंग ड्यूरिंग कटिंग, यानी कि जहाँ पे देख भी पा रहे होंगे ये बहुत ही लाइट बेट होता है, यानी कि बहुत हल्का होता है, इसलिए इसको कट करते समय ये वाइब्रेट करने लगता है और टिश्यू जो हमारा है वो एक्यूरेटली नहीं कट पाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं जब इस माइक्रोटोम का उपयोग करते हैं तो इसके आगे पीछे हम रस्सी से इसको क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं ताकि ये वाइब्रेट ना कर पाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट माइक्रोटोम पे। नेक्स्ट माइक्रोटोम हमारा है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। फ्रीजिंग मतलब क्या होगा कि इसको ठंडा कर देगा हमारे ब्लॉक को और हमारे जो नाइफ लगे होते हैं। तो द टिश्यू सैंपल इज फ्रोजन एंड मेंटेन एट फ्रोजन स्टेट विथ लिक्विड CO2, यानी कि या जो हमारा टिश्यू होता है ये क्या हो जाता है, फ्रोजन हो जाता है, फ्रीज के रूप में हो जाता है, ब्लॉक जो होता है वो हार्ड हो जाता है, तब इसका कटिंग हम इसको करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम के द्वारा।
फ्रेंड्स, इसका जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम का उपयोग है, हम इसको अर्जेंटली यूज करने के लिए करते हैं। जैसे आप कहीं पे आप सर्जरी कर रहे होते हैं, उसके बाद में जो भी हमें सैंपल प्राप्त हुआ, हमें इसका जस्ट एग्जामिनेशन करना है, तो इन केस में हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग माइक्रोटोम का उपयोग करेंगे। क्योंकि अगर हम प्रोसेसिंग में भाजेंगे तो हमें पूरा 24 घंटा लग जाएगा, तो प्रोसेसिंग में टाइम ना लगाने के कारण हम यहाँ पे फ्रीजिंग माइक्रोटोम का उपयोग करते हैं। और जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम होता है, इसको हम ठंडा करने के लिए लिक्विड CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर रैपिडली ऑप्टेन सेक्शन फॉर अनफिक्स्ड सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि इसका उपयोग हमने आपको बताया कि हम अर्जेंटली करने के लिए करते हैं और इसमें हमें फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम सॉफ्ट टिश्यू को लेते हैं और वहाँ पे जब लगाते हैं तो वहाँ पे आप पाइप देख रहे होते हैं, यहाँ पे CO2 गैस जाता है, जिससे हमारा जो टिश्यू होता है क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसका जो उपयोगिता है, ये आपके फैट टिश्यू को काटने के लिए और न्यूरो टिश्यू को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए बातें हैं नेक्स्ट अपने माइक्रोटोम पे। नेक्स्ट जो टाइप हमारा है, ये है अल्ट्रा माइक्रोटोम। फ्रेंड्स, अल्ट्रा से मतलब होता है बहुत ही थिन। ठीक है, तो अल्ट्रा माइक्रोटोम का उपयोग हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें इसमें MM में नहीं, जो भी हमारे फ्रेंड्स जितने भी और माइक्रोटोम है वो सब MM में सेक्शन को काटते हैं, लेकिन ये जो हमारा अल्ट्रा माइक्रोटोम होता है ये NM में यानी कि नैनोमीटर में ये सेक्शन को काटता है। ठीक है, तो अल्ट्रा माइक्रोटोम का उपयोग जाने रही है कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक को करने के लिए करते हैं। इट इज़ यू टू प्रिपेयर अल्ट्रा थिन सेक्शन, यानी कि हम अल्ट्रा थिन सेक्शन काटने के लिए करते हैं फॉर लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जो हमें ये सेक्शन देखना होगा ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के लिए किया जाएगा, जिससे हमें जो इसके सेल होते हैं, इनके न्यूक्लियस होते हैं, माइटोकांड्रिया, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो भी आपके मतलब कि जो सेल्स के अंदर जो भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। और इसका अगर हमको करना है, किसी टिश्यू को काटना है, तो हम अल्ट्रा माइक्रोटोम का उपयोग करेंगे। ठीक है, सेक्शन वेरी थिन, जो सेक्शन होगा बहुत ही पतला होगा, 10 NM का होगा। और इसमें जो उपयोग करेंगे फ्रेंड्स, डायमंड का उपयोग करेंगे ब्लेड का, या फिर ग्लास ब्लेड का उपयोग करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि डायमंड और जो ग्लास वाला ब्लेड होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका उपयोग हम अल्ट्रा माइक्रोटोप में करते हैं। ठीक है, और जो ब्लॉग होता है फ्रेंड्स, ये इपॉक्सी रेजिन का बना होता है, यानी कि इसमें हम लिक्विड पैराफिन या फिर पैराफिन का उपयोग नहीं करते हैं, इसके ब्लॉग को बनाने के लिए हम रेजिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अल्ट्रा माइक्रोटोम के बारे में। ये जो आप फिगर देख पा रहे होंगे, ये अल्ट्रा माइक्रोटोम का है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप सेक्शन कट कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आप डायरेक्टली माइक्रोस्कोपिक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार के अल्ट्रा माइक्रोटोम का सेक्शन कट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका ये पार्ट है, ये आपका क्या है, सैंपल होल्डर है, यानी कि यहाँ पे हम सैंपल को लगा देते हैं। ये हमारा जो आप थोड़ा सा गोल्डन कलर देख पा रहे होंगे, ये हमारा सैंपल है, और ये जो हमारा है ये डायमंड ब्लेड है। ठीक है, अब यह क्या करता है, यहाँ पे देख पाइए दूसरा वाला चीज, इसको अगर हम डाउनवर्ड करेंगे अपने ब्लेड को, तो ये क्या करेगा, सेक्शन को क्या कर देगा, कट कर देगा। ये सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये थिन सेक्शन है, ये कट हो गया। और फिर इसको अगर हम विड्रा करेंगे, ठीक है, इधर विड्रा सारी, इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे अपने जो टिशू है, ठीक है, थिन टिशू को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम अपवर्ड करेंगे तो हमारे जो ब्लेड है ये पीछे आ जाएगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, अपने टिशू को एकदम से हटा लेंगे, और फिर इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो अल्ट्रा माइक्रोटोम है वर्क करता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे क्रायो माइक्रोटोम पे। क्रायो माइक्रोटोम की बात करें तो ये भी एक प्रकार का फ्रीजिंग माइक्रोटोम है, बट इसमें CO2 का उपयोग ना करके यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं। इट इज़ अ प्राइमरी यूज फॉर कटिंग सेक्शन ऑफ फ्रोजन टिशू, यानी कि हम फ्रोजन टिशू को कट करने के लिए हम क्रायो माइक्रोटोम का उपयोग करते हैं। इट इज कॉमनली कंसिस्ट ऑफ ए माइक्रोटोम कंटेनिंग विथ ए रेफ्रिजरेटर चैम्बर, यानी कि ये सिंपल माइक्रोटोम होता है। अगर हम आपको बताएं तो इसमें आपका रोटेटरी माइक्रोटोम लगा होता है, बट इसमें अलग से जोड़ दिया जाता है क्या, रेफ्रिजरेटर, ताकि हमारा जो टिशू है इसको ठंडा कर सके। फ्रेंड्स, कंटेनिंग आउटसाइड कैबिनेट, यानी कि इसमें कंटेनिंग होता है आउटसाइड कैबिनेट, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये है, ठीक है, ये कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपका आउटसाइड में एक हैंडल लगा होता है, तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके जो ऑटोमेटिक बटन होते हैं ये भी लगे होते हैं, ताकि आप इनका जो सेक्शन का साइज है इसको आप घटा बढ़ा सकें। ठीक है, अर्जेंट बायोप्सी करना होता है तो हम क्रायो माइक्रोटोम का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें भी फिक्सेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा सा और बता दें कि अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, यानी कि क्रायो माइक्रोटोम पूरे के पूरे नहीं है, तो आप यहाँ पे
फ्रिज का आइस होता है उसका लोग यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। उस आइस को क्या करते हैं, कुछ देर तक ब्लॉक में रखते हैं और ब्लॉक हमारा बहुत ही हार्ड हो जाता है, उसके बाद में इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही उपयोगी नहीं है। इसीलिए हमें जो भी डिवाइस है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो क्रायो जो माइक्रोटोम है इसका अर्जेंट सेक्शन काटने के लिए करते हैं, इसमें हम CO2 का उपयोग नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें सीधे हम एक फ्रिज का उपयोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोटोम क्या होता है और माइक्रोटोम के प्रकार कितने होते हैं और जो माइक्रोटोमी वर्ड है इसका उपयोग मतलब क्या होता है। माइक्रोटोमी का मतलब फिर एक बार बता देते हैं, एक प्रकार का टेक्निक है जिसमें हम थिन सेक्शन को काटते हैं, ठीक है। और जो माइक्रोटोम है एक प्रकार का डिवाइस है जिसके द्वारा थिन सेक्शन कटता है, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करिए। अगर आप इसको नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप क्या कोई दोस्त नए हैं तो इसको शेयर करिए ताकि उनको भी ये क्लास मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।